नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या है आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेगा आपका भाग्यशाली अंक, और आज के दिन क्या क्या कार्य करना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दिन की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक विचारों से करें। व्यक्तिगत तथा आर्थिक पक्ष में मजबूत बनाने संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं बनेगी। दोपहर बाद आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने वाली है। बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने से उनमें खुशी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कभी कभी आप आलस के कारण अपने काम के को टालने की कोशिश करेंगे। कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने से उसका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा। इस समय आपका मनोबल बनाकर रखना अति आवश्यक है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। व्यावसायिक गतिविधियों धीमी चलने के बावजूद आप अपनी योग्यता व मेहनत द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाकर रखेंगे। आलस व लापरवाही त्याग दे। ऑफिस में आप अपनी उचित कार्य प्रणाली से दूसरों के समक्ष सराहना का पात्र बनोगे। पारिवारिक सदस्यों के लिए कुछ न कुछ उपहार लेने आना घर में सबको खुशी प्रदान करेगा। युवाओं के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। गले में कुछ इन्फेक्शन जैसी खांसी जुकाम आदि रह सकता है। और आज का आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी, और आज का आपका भाग्यशाली अंक होगा 7। तो आज उच्च शिक्षा की संबंधी निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे। यदि आप विदेश में परीक्षण या नौकरी में अपेक्षा रखते हैं तो इस पूर्ण करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों में को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के खिलाफ जाकर कोई निर्णय ना ले। काम की जगह आपके बॉस द्वारा मिली मदद आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अविवाहित व्यक्तियों के विवाह जल्दी से तय होगा। बीपी संबंधी तकलीफ को दूर करने के लिए मन को शांत रखने की आवश्यकता होगी। और आज प्रकृति आपको कोई बेहतरीन मौका प्रदान करने वाली है, अतः इस समय का भरपूर सहयोग करें। पारिवारिक व्यवस्था को अनुशासित बनाकर रखने की आपका प्रयास सफल रहेगा। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। संतान का संबंधी कोई चिंता रह सकती है। अपने अहम को निमंत्रण या नियंत्रण में रखना अति आवश्यकता होगी। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर अनबन अथवा झगड़े जैसी स्थिति बनने की आशंका है। बेहतर होगा कि फालतू बातों पर ध्यान ना देकर अपने काम से मतलब रखें। पिछले कुछ समय से जो अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव किया है उसके बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, परंतु आज व्यक्तिगत कार्यों की वजह से आप अपने व्यवसाय में अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऑफिस में कार्य करते समय ध्यान रखें कि छोटी से छोटी गलती आपके लिए मुश्किल बड़ी बड़ा खड़ा सकती है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की फुल्की तकरार रह सकती है, परंतु परिस्थितियां शीघ्र ही ठीक हो जाएगी तथा घर का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। विशेष तथा पर स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य को उचित ध्यान रखें। स्त्री जनित लोगों या रोग परेशान कर सकते हैं, और पैसों की चिंता आज आपको सताती रहेगी। पुराने लिए हुए उधार को वापस ना कर पाने की वजह से तनाव का सामना हो सकता है। यदि पैसे आप वक्त पर लौटा नहीं पा रहे हैं तो उस संबंधी जानकारी व्यक्ति को दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बारे में बन रही गलतफहमी दूर करना आपके लिए आसान रहेगा। लोगों का आस पर या आप पर रखा विश्वास बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। युवाओं को करियर संबंधी निर्णय लेते समय कंफ्यूजन बढ़ सकता है। काम का रिलेशनशिप में संतुलन बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा। बढ़ती एसिडिटी की अपच के वजह से तकलीफ भी बढ़ सकती है। और आज जीवन साथी का व्यवहार परेशान करने वाला है
दूर की कामकाजी यात्रा लाभ दे सकती है। भैरव बाबा को नमकीन चीजों का भोग लगाए, अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखे, अपना दुख हर किसी से ना कहे, निकट के व्यक्ति को दिया धन लौट सकता है। रुद्राक्ष के पौधों में जल चढ़ाएं। कागजात पर दस्तखत करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। परिवार की सुख सुविधा के लिए खर्च कर सकते हैं। शनिदेव के काले तिल के लड्डू चढ़ाएं। नियमित मेडिकल जांच के मामले में लापरवाही ना बरते, साक्षात्कार में सफलता मिल सकता है। हनुमान जी की वरक चढ़ाएं। प्रेम पात्र का व्यवहार झटका दे सकता है। ट्रेवल टूरिज्म से जुड़े लोगों का खास फायदा हो सकता है। कुत्ते को आज रोटी दे। निकट का परिचय विस्मयकारी रूप ले सकता है। नवीन अवसर का लाभ उठाने की तैयार हो जाइए और श्री गणेश का पाठ करें। कार्य क्षेत्र में जोखिम उठाने से बचे, अपनी ही उलझनों में उलझे रह सकते हैं। जल में सफेद फूल डालकर सूर्यदेव का अर्घ्य करें। भाग्योदय का अवसर मिल सकता है। मानसिक उठापटक भी रह सकती है। इष्ट देव का पूर्व विसर्जन करने की कोशिश करें। परिवार और फाइनेंस से संबंधित के लिए कुछ गलत महत्वपूर्ण निर्णय के सकारात्मक परिणाम सामने आएगी। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल जिंदगी के कुछ राहत भी मिलेगी। युवा वर्ग अपने भविष्य में संबंधित प्लानिंग करें, उस समय उत्तम है। पैसे के लेन देन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति रहेगी, परंतु दोपहर बाद स्थिति सुलझ जाएगी। किसी की बात पर भी विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर ले। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखें। कार्यस्थल पर नौकरी में आपका सम्मान या सम्मान बना रहेगा, परंतु अपने निर्णय को ही प्राथमिक दे। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया कार्यस्थल के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। नौकरी पैसा लोगों के लिए उत्तम परिस्थितियां बन रही है। परिवार के साथ किसी धार्मिक समारोह में जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा आपसी प्रेम और सामंजस्य की उत्तम बना रहेगा। सर्दी से अपना बचाव रखें। जोड़ों व घुटनों में दर्द आदि की समस्या हो सकती है, और यदि आप घर या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उस संबंधी लोन आसानी से प्राप्त होगा। दूसरों की मदद से समय में व्यतीत व्यक्तियों को योग्यता का परखना होगा। सामाजिक कार्य में भाग लेने के लिए वजह आपको मानसिक समाधान प्राप्त होगा। आपके मन की इच्छा को वास्तविकता का रूप देना ही आपके लिए आसान रहेगा। और बैंकिंग क्षेत्र के व्यक्ति काम ध्यान पूर्वक करें। परिवारिक संबंधी जिम्मेदारियां दूरी करने के लिए पार्टनर का सहयोग प्राप्त करें। पेट में बढ़ती गैस की वजह से तकलीफ भी दे सकती है, और आपको विद्यार्थियों के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होगी। और जो पैसा आप उधार दिए हैं, आज आपको दोपहर के बाद मिलने वाले हैं, और आज दिन भर व्यस्तता बनी रही। मेहमान नवाबजादी और मौज मस्ती में भी कुछ समय व्यतीत होगा। सूझबूझ के लिए गए निर्णय आर्थिक रूप से आपको अधिक मजबूत और सक्षम करेंगे। काम को पूरा करने से प्रति उत्साह बना रहेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी पड़ सकती है, परंतु अपने बजट का ध्यान भी अवश्य रखें।